We can get to the door. Guys, you can see the Roshni Yuka Shah. Oh my god. This is my very first travel and a very first vlog for. Hey guys, this is me Sunny Ashur. Welcome back to my YouTube channel, which is Sunny Ashur Lively. बहुत ही यम सा वेदर है और बहुत ही VIP और बहुत ही स्पेशल व्लॉग है बिकॉज सनिया का फर्स्ट ट्रैवल है, प्लेन का फर्स्ट फ्लाइट है. और सनिया आज कहाँ जा रही है व्लॉग को एंड तक देखिए और जानिए, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. और मैंने जुगाड़ किया कि मैं अपने बेबी टर्टल को लेके जा सकूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाया है. एज़ यू गाइज नो कि इस तरह की चीज़ें अलाइव जो है वो परमिशन नहीं, अलाउ नहीं है. जुगाड़ मैंने करना चाहा बट यार उसकी जिंदगी का सवाल था तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे. सो मैडम इज रेडी टू ट्रैवल. और कितना मज़ा आता है इस व्लॉग में, इंजॉय करें. देखें जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग पहुंच चुके, मैंने कराई बोर्डिंग और उसके बाद हमको मिला पास. हे गाइस, दिस इज माय वेरी फर्स्ट ट्रैवल एंड अ वेरी फर्स्ट व्लॉग फॉर यू नो इस्लामाबाद. और इतनी कंफ्यूज हूँ मैं यार, मैं बता नहीं सकती हूँ. टर्टल को उन्होंने मुझे नहीं लाने दिया, उन्होंने बोला आपके पेट्स और टर्टल्स बिल्कुल नहीं अलाउ. एक्सक्यूज़ मी. और जी गाइज, आपने सुन लिया कि मैं सांगा जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलने और रुजर भाई से मिलने. एंड ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे है तो हम लोग रोटी वहीं पे बनाएंगे. और क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैवल है जहाज़ का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है जहाज़ के सफ़र का. सो आप लोग भी इस व्लॉग को इंजॉय करें. मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई लेकिन मैंने कहा कि व्लॉग तो बनेगा. और यार ये वीडियो देखो ज़रा. Guys, you can see the Roshni Yuka Shah. Oh my God. सच में ख्वाब पूरे होते हैं, ख्वाब पूरे होते हैं. और ये पुट्ठा सदा हो रहा है. माय गॉड, दावे अर्जी. यहाँ पे मिला हमें एयर ब्लू की तरफ से डिनर जो कि बहुत ही 50-50 टाइप था. मुझे तो, मैंने तो खैर एक स्पून जो है मैंने टेस्ट किया था क्योंकि मैंने दोपहर को बहुत ही हैवी मील लिया था कराची फूड से. सो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ नहीं छोड़ी और अपने साथ लेकर गई थी. और उसके बाद हम लोगों का वेलकम किया इस्लामाबाद में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश ने. और मुझे तो बहुत ही यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार 1.5 घंटे में जो है वो फाइनल मतलब लैंडिंग और जो है हम बाहर भी आ चुके थे एयरपोर्ट पे. सो बहुत ही VIP ट्रैवल रहा, बहुत मज़ा आया. बहुत ही शॉर्टली जो है मैं कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई. होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा. थोड़ा सा व्लॉग है देखिए. और फिर जैसे ही नेक्स्ट जो आने वाले व्लॉग्स हैं लाइक बर्थडे का व्लॉग्स, वो सब कैसे होते हैं वो भी दिखाएंगे आपको. तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें. लेकिन इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है ना, लेकिन कराची का तो अच्छा है लेकिन इस्लामाबाद का अब जो तारीफ की बात है सो है अच्छा बना हुआ है. अब ज़्यादा अच्छा हो गया है. हाँ, कराची में ना वो कुछ छोड़ी नहीं है कोई चीज़, मतलब इतना रफ सा कर दिया ना. देखो तुसी कि इस्लामाबाद आके मौसम भी चेंज थे, कैमरे का रिजल्ट भी चेंज, तो किन्ने किन्ने लोग लैंड आए ना. लेट मी जस्ट शो यू. देखो है द मोस्ट स्पेशल पर्सन ऑफ माई लाइफ. और मामू गए हुए हैं गाड़ी लेने. और जी यहाँ पे मामू गाड़ी पार्किंग से लेकर आए और हम लोग घर चले गए. उसके बाद जो है वो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं व्लॉग कर पाऊँ क्योंकि मुझे जो है मामा और अरोज के साथ इतनी सारी बातें करनी थी. यूं ही हम लोगों के 1-2 बज गए और फिर हम लोग सो गए खाना वगैरह खाकर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. साथ रहिए.